बाबा क्रिकेट अड्डा में आपका स्वागत है। और इंग्लैंड के बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज एलेक्स हॉल्स ने टी20 और इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, और इसके साथ ही एक बहुत बड़ा युग खत्म हो चुका है जो कि इंग्लैंड की टीम में ओपनर बल्लेबाज की हमेशा वाइट बॉल क्रिकेट में एक समस्या रही है, जिसको सबसे पहले एलेक्स हॉल्स ने दूर किया था। मगर अब उनके संन्यास लेने से एक अध्याय खत्म हो चुका है। अब थोड़ा सा एलेक्स हॉल्स के बारे में जान लेते हैं, उन्होंने क्या कहा। और उन्होंने ये कहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलना छोड़ रहे हैं और उन्होंने बहुत कुछ इस क्रिकेट में अचीव किया है अपने जीवन में। हाईएस्ट पॉइंट से लेकर एकदम लोएस्ट पॉइंट तक उन्होंने देखा है, और वास्तव में इनकी इनकी जो जीवनी है इस पर तो मूवी बन सकती है, इतने इन्होंने उतार चढ़ाव देखे हैं। तो उसका थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पर भी चर्चा करेंगे। और इन्होंने ये कहा है कि ये लोकल क्रिकेट यानी कि डोमेस्टिक क्रिकेट और फ्रेंचाइजी क्रिकेट मतलब IPL PSL और ये सारे लीग्स खेलते रहेंगे, केवल इंग्लैंड के लिए इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेलेंगे, उनसे इन्होंने संन्यास ले लिया है। अब इनकी बात करें तो इन्होंने इनके जीवन में करियर में कई सारे विवाद भी रहे हैं और कई सारे अच्छे पहलू भी रहे हैं। सबसे पहले अच्छे पहलू की चर्चा करें तो अच्छा पहलू सबसे जीवन में इनका ये रहा कि 2022 में जो वर्ल्ड कप हुआ वहाँ पे इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, और उस वर्ल्ड कप को जिताने में एलेक्स हॉल्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि इंग्लैंड नहीं तो एलेक्स हॉल्स के बिना मुश्किल ही था कि 2022 जो कि ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप खेला गया T20 का, वो जीतना बहुत ही मुश्किल काम था, जिसमें कि उन्होंने दो हाफ सेंचुरी भी लगाया हुआ था, जिसमें एक जो पारी थी सेमीफाइनल में इंडिया के खिलाफ 86 रन की, वो बहुत ही यादगार पारी थी, जिसमें कि उन्होंने 150 से ऊपर की साझेदारी किया था जॉस बटलर के साथ और 10 विकेट से जीत हासिल किया था इंडिया के खिलाफ। उसके बाद हालांकि T20 फाइनल में वो कुछ कर नहीं पाए, एक रन ही बनाया था, मगर इंग्लैंड इवेंचुअली वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब रही। हालांकि जो इनका 2022 T20 का वर्ल्ड कप था, इसमें भी इनका सिलेक्शन शुरू में नहीं हुआ था, और इनको क्या हुआ, ब्रेस्टो की जगह पे लिया था जो कि इंजर्ड हो गए थे, उनकी जगह पे इनको बाद में शामिल किया गया, इसलिए 2022 के वर्ल्ड कप में कुछ मैचेस ये नहीं खेल पाए थे। अब इससे पहले अब हम लोग इनके विवाद की चर्चा करें कि इनके साथ क्या क्या विवाद जुड़े रहे। सबसे पहले एक इंसिडेंट था 2017 में बेन स्टोक और एलेक्स हॉल्स का, जिसमें कि एक वनडे मैच के बाद इन्होंने दर्शकों के साथ झगड़ा किया था, इवन मारपीट भी किया था, जिसकी वजह से एलेक्स हॉल्स और बेन स्टोक जो कि करंट टेस्ट मैच के कप्तान हैं, वो दोनों पे ही कुछ मैचेस का बैन लगा दिया गया था, और उसके बाद फिर काफ़ी समय बाद उनकी वापसी हुई थी। उसके बाद एक और विवाद जो जुड़ा है वो 2019 में जुड़ा था, जब इंग्लैंड में ही 2019 का वर्ल्ड कप खेला जाना था 50 ओवर का, जहां पे कि एलेक्स हॉल्स का नाम भी शामिल किया गया था, मगर वर्ल्ड कप स्टार्ट होने के जस्ट कुछ समय पहले इनको बैन कर दिया गया था। इसलिए बैन कर दिया गया था क्योंकि इन्होंने ड्रग्स लिया था। अब ड्रग्स लिया था तो हम लोग तुरंत सोचते हैं, अधिकतर न्यूज़पेपर और ये सारे बोल रहे हैं कि उन्होंने ड्रग्स की वजह से उनको बैन लगा दिया गया था, मगर मैं उनको करेक्शन करना चाहता हूँ, वो सारी गलत इन्फॉर्मेशन है। उन पर कोई बैन नहीं लगा था, पहली बात तो ये, उन पर कोई भी बैन नहीं लगा था और ना ही उस पर कोई ऐसा एक्शन लिया गया था जिसकी वजह से इतना बड़ा विवाद बनाया गया। विवाद केवल एक ईगो की थी, जो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि क्रिकेट प्लेयर होते हैं या कोई भी एथलीट होते हैं, वो कोई भी मेडिसिन नहीं ले सकते हैं क्योंकि उनको लिमिटेड मेडिसिन लेने की सलाह दी जाती है। इसलिए जब भी वो मेडिसिन लेते हैं, इवन बुखार भी हो, तो उनको क्या करना पड़ता है, अपने फिजियोथेरेपिस्ट अपने जो डॉक्टर हैं उनसे कंसर्न करके लेना पड़ता है। यदि वहाँ पे कोई गलत दवाई ले लिया तो वो क्या होता है कि ड्रग्स की कैटेगरी में उन लोग गिन लेते हैं, मगर इसका मतलब वो नहीं कि भांग गांजा पीने वाला ड्रग्स या हीरोइन लेने वाला ड्रग्स लेते थे। तो ये विवाद था, जैसे भी कुछ समय पहले आपने सुना होगा पृथ्वी शॉ पे भी 2-3 महीने का बैन लग गया था क्योंकि उन्होंने गलत दवाई ले ली थी, ना कि वो ड्रग्स पीने लग पड़े थे, जो वो वाला ड्रग्स होता है हीरोइन और ये सारा, वो नहीं था। मगर क्या है, इंग्लिश में ड्रग का मतलब, दवाई का मतलब भी ड्रग होता है और इसका मतलब भी ड्रग होता है, तो इसलिए कन्फ्यूजन हो जाता है अधिकतर लोगों को हिंदी में, जबकि ये ड्रग शब्द गलत है। यदि नशेली वाली होती है वो अलग होता है। तो इन्होंने क्या थी, गोली ली थी, ना कि वो नशेड़ी थे। तो अब क्या था कि इस पर इल्ज़ाम लगाया इयान मॉर्गन ने, ना कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने। इयान मॉर्गन जो उस समय करंट कप्तान थे, उन्होंने कहा कि इन्होंने देश की छवि मिलाया है, धूमिल किया है, इसलिए उनको टीम में शामिल नहीं करेंगे। उसके बाद कई सारे ऐसे प्लेयर थे जो इंग्लैंड में अच्छा नहीं खेल रहे थे, उससे कई गुना अच्छा एलेक्स हॉल्स खेल रहे थे, मगर फिर भी उनको 3 साल तक 2019 से लेकर 22 तक किसी भी टीम में शामिल नहीं किया गया। आप रिकॉर्ड उठाकर देख सकते हो, उनका रिकॉर्ड अभी भी जेसन रॉय से अच्छा है,
जो कि उनके करंट में उनके जो ओपनिंग बैट्समैन रहे हैं। तो जेसन रॉय क्या कई सारे प्लेयर से अभी भी अच्छा है, मगर उनको सिर्फ इस वजह से बाहर कर दिया गया था, जो कि बहुत गलत था। एक ईगो की प्रॉब्लम, जिसे कह सकते हैं कि इयान मॉर्गन ने इनका कैरियर पूरा खराब किया है। ऐसा कोई बड़ा विवाद नहीं था, पृथ्वी शॉ आपने देखा ही होगा, 3-4 महीने के लिए बाहर गए थे, उसके बाद दोबारा से क्रिकेट खेलने लग पड़े, एकदम नॉर्मल है सब कुछ, क्योंकि वो एक्चुअल में उस टाइप का ड्रग नहीं था जैसा कि प्रचार प्रसार हुआ। एक्चुअल में क्या था कि ये सिर्फ और सिर्फ इनका जो मुद्दा ये था, मॉर्गन के साथ नहीं बना था, और वही मॉर्गन की वजह से ही इनका कैरियर खराब हुआ है। खैर, उसके बाद इन्होंने वर्ल्ड कप 2022 में अंडर T20 वर्ल्ड कप खेला और उसके बाद अच्छा परफॉर्म किया, हालांकि वनडे में और इनको दोबारा खेलने का मौका नहीं मिला अच्छा परफॉर्मेंस करने के बावजूद। तो एक तरीके से एकदम लॉजिक बनता है कि इनको संन्यास लेने का, क्योंकि उसके बाद इंग्लैंड के लिए तो वैसे भी इनको बहुत ज़्यादा मौका मिल नहीं रहा है। 2019 के बाद ऐसा नहीं है खराब परफॉर्मेंस था, परफॉर्मेंस इनका बहुत बढ़िया था, मगर फिर भी इनको मौका बिल्कुल नहीं मिला। तो ये क्यों संन्यास ना लें इंग्लैंड जो इंटरनेशनल क्रिकेट से, बजाय ये फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलें, IPL CPL और अनंत पैसा कमा सकते हैं। तो इनका ये जो डिसीजन है बिल्कुल सही है, हालांकि लोग कई सारे लोग इनको अनजस्टिफाइड कर रहे हैं, इसलिए कि भाई देश के ऊपर ये फ्रेंचाइजी लीग को दे रहे हैं। भाई देश के लिए इनको चुना भी तो नहीं जा रहा है, तो क्यों उसका वेट करें, उसके बजाय फ्रेंचाइजी क्रिकेट पे ही फोकस करें, जिसपे कि उनका अच्छा पैसा भी मिल रहा है और जहाँ पे कि उनको एक अच्छा करियर दिखाई दे रहा है अभी 2-3 साल का। तो ये एक्चुअल में मुद्दा था, हालांकि इनका रिकॉर्ड भी एक बार देख लो, रिकॉर्ड इनका क्या है, T20 वनडे, हालांकि टेस्ट मैच का अच्छा नहीं है, वनडे और T20 में इनका रिकॉर्ड अच्छा है इंग्लैंड के खिलाफ जब इन्होंने खेला है। तो यदि वनडे में देखोगे तो इन्होंने 70 वनडे मैचेस खेले हैं, जिसमें कि 38 के एवरेज से 2400 रन बनाए हैं, और T20 की बात, अच्छा वनडे में 6 शतक और 14 अर्धशतक लगाए, और T20 की बात करें तो वहां पे इनका 75 मैचेस में 31 का एवरेज है और 2074 रन बनाए, जिसमें कि 1 शतक और 12 अर्धशतक लगाए हैं। 30 यानी कि 31 का एवरेज है, जो कि T20 में बहुत अच्छा माना जाता है, 30 से ऊपर का एवरेज T20 में बहुत अच्छा माना जाता है, और इसके अलावा 1 शतक भी लगाया, और ये T20 क्रिकेट में इंग्लैंड की तरफ से पहले शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं, यानी कि सबसे पहले इन्होंने ही शतक लगाया था T20 में इंग्लैंड की तरफ से। तो बहुत सारे इनके नाम पे रिकॉर्ड है, जैसे पार्टनरशिप का, वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड भी इनके नाम पे है इंग्लैंड के लिए, और ये इयान मॉर्गन और एलेक्स हॉल्स के बीच में हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ, और दूसरा जो T20 में भी बड़ी साझेदारी है वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा ओपनिंग की, वो भी एलेक्स हॉल्स और बटलर के नाम पे है। तो ये दो बड़ी साझेदारियों में भी है, और सबसे ज़्यादा शतक लगा, सबसे पहला शतक भी इंग्लैंड के लिए इन्होंने ही लगाया था। तो ऐसे ही कई सारे इनके नाम पे रिकॉर्ड है, और बहुत बढ़िया बैट्समैन थे जिनका कि करियर उतना अच्छा नहीं बन पाया विवादों की वजह से, अदरवाइज ये हो सकता है कि इंग्लैंड के कप्तान भी नज़र आते इस वक्त, और इनका करियर बहुत ऊंचाइयों पे जा सकता था, मगर कहीं ना कहीं ये जीवन में अपने, जब भी अपने जीवन की किताब लिखेंगे वहाँ पे सबसे बड़ा विलन का नाम लिखेंगे इयान मॉर्गन के रूप में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ।